नमस्कार, तुसीं वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनीता शर्मा। सब तो पहला नज़र मारदे हां अज दीआं सुर्खियां ते। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब दे मौके संगतां होईआं सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा हुशियारपुर सिविल हस्पताल दा कीता गया दौरा। जगराओं नगर कौंसल विखे मनाया गया मजदूर दिवस। कैथल विखे 18 तो 45 साल दे व्यक्तियों नूं लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कैथल विखे जनता कर्फ्यू दे चलदिआं बाजार रहे मुकम्मल तौर ते बंद। कोटकपुरा विखे कपड़िआं दे शोरूम विचों वड्डी मात्रा विच होई शराब बरामद। योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे पठानकोट, लोकां नूं दित्ती योगा करन दी नसीहत। समराला विखे प्राइवेट एंबुलेंस चालका ने की ऑक्सीजन की सहूलत देने की मांग। ते हुण खबरां विस्थार नाल। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब दे मौके संगतां सचखंड श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होईआं। इस मौके संगतां श्रोमणी कमेटी दे प्रधान बीबी जगीर कौर ते होर अहुदेदारां वल्लों अलौकिक दीपमाला कीती गई। सब संगतां नूं श्री गुरु तेग बहादुर जी दे जन्म दिहाड़े ते लख लख वधाई होवे। श्री गुरु तेग बहादुर जी दा जन्म दिहाड़ा बहुत श्रद्धा दे नाल मनाया गया। संगतां बहुत धूमधाम दे नाल गुर श्री हरिमंदर साहब विखे पहुंचियां और अस्तबाजी दा भी देखिया संगतां ने। ते बहुत संगतां नूं लख लख वधाई होवे श्री गुरु तेग बहादुर जी दा। बहादुर जी दे प्रकाश दिहाड़े दी जिन्नी दुनिया दे विच नानक नाम लेवा संगत आ, जिन्नी सिख कौम है, वह सारे नूं दे मिले। दीपमाला आतिशबाजी इत्थे देखने बहुत अलौकिक नज़ारा बनिया पिया। हाँ, दीपमाला हुई जी, बड़ा बहुत वधिया प्रोग्राम होया। गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साल आया, बड़े कलमा भागा वाले जी जिहड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं। गाह भी परिभाषा इदा ही जिस दिहाड़े इदा आते रहें मना जी गुरु पातशाह खुशियां प्राप्त करते रहिए। अज धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जन्म दिहाड़े से 400 साल संगत बहुत धूमधाम मना रही ने। वर्ल्ड के जिहड़ियां संगतां ने, गुरु नानक देवा संगतां, गुरु घर नूं प्यार करन वालियां संगतां, बहुत उत्साह वा। अज अस्तबाजी चल रही है, बहुत वधिया अज नज़ारा है। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा हुशियारपुर सिविल हस्पताल का दौरा किया गया। इस मौके उन्होंने द्वारा हस्पताल में कोरोना संबंधी प्रबंधा का जायजा लिया गया। सुनाया सी भी किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। असी इतने 100 बेड गवर्नमेंट के लगाए हैं, जिसे साढ़े को 94 पेशेंट है। 5 साढ़े को लैवल 3 के पेशेंट है जिन्होंने वेंटीलेटर लगा हुआ, बाकी ऑक्सीजन लगी हुई है। इतने किसी किस्म की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है। साढ़े को 300 सिलेंडर हो जा रहे हैं और मैं यही चेक कर रहा कि किसी ने कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो नहीं। जगराओं नगर कौंसल विखे मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके मानयोग चेयरमैन गेजा राम जी उचेचे तौर पर पहुंचे ते झंडे की रस्म अदा की। बहुत ही भयानक जड़ा कि उस समय की सरकार ने मजदूरों के उत्ते तहद करके जिन्हों के मजदूरों के उत्ते परमाणु बंब गेर के अज वह धरती उस तरह काली शाह है। तो धरती के उत्ते मजदूरों ने अपना खून डोल के ये जरा 8 घंटे वास्ते ये नौकरी दी थी तो समाबंद ये जरा सरकार उस टाइम चैलेंज करके जरा अज आप मुलाजम वर्ग अज सुख का आनंद नींद ले रहा सो रहा वो सिर्फ शिकागो के शहीद करके आप सारे मुलाजम एकता जी है इन्हों करके एकता बनी है। कैथल विखे 18 तो 45 साल के व्यक्तियों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस मौके वैक्सीन लगवाने पहुंचे नौजवानों ने आख्या कि सानू सबनू वैक्सीन लगवा के अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए है ताकि इस महामारी तो बचाव हो सके। ये करवाना बहुत जरूरी है सभी के लिए। मेरा मैसेज ये है कि ये सभी करवाएं, क्योंकि इसमें एक बंदा नहीं बल्कि सभी आ गए हम, देश के बचाव के लिए बहुत जरूरी है। ये हम लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है और उसके बाद यहाँ पर आके हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा।
यहाँ पर आने के बाद जो ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है बहुत ही अच्छी थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आने के बाद हम यहाँ पर आए, ऊपर हमारा ये नाम नंबर एड्रेस वेरीफाई हुआ और आने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जो भी बैरिकेटिंग थी वहाँ पर अपना फॉर्म दिखाया और बड़ी इजीली आकर के हमने यहाँ पर अपने टीकाकरण करवाया। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि सबको इस महामारी से बचने के लिए टीकाकरण कोविड का जरूर करवाना चाहिए। कैथल विखे जनता कर्फ्यू दे चलदिया बाजार मुकम्मल तौर ते बंद रहे। इस मौके कैथल पुलिस द्वारा कर्फ्यू दा जायजा लिया गया ते बेवजह बाहर घूम रहे लोकां दे चलान भी कटे गए। देखो, कोरोना महामारी जो है वो काफ़ी विकराल रूप ले चुकी है, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है और उस संबंध में हमने हर चौराहे पे और हर गलियों में फोर्स तैनात की हुई है। लोगों को समझाया जा रहा है कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जनता कर्फ्यू को, लॉकडाउन को हमारी पुलिस पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करा रही है। इसमें लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, जो बाज़ार मार्केट है वो सभी बंद है। एसेंशियल कोई बहुत ही इमरजेंसी में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की जा रही है और बाकी जो इंटरस्टेट मूवमेंट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, पेट्रोल पम्प वगैरह हैं इत्यादि हैं, उनको खुले रहने की परमिशन है। कोटकपुरा विखे कपड़िया के शोरूम विचों वड्डी मात्रा विच नाजायज शराब बरामद की गई है। इस मौके एक्साइज विभाग ते पुलिस द्वारा सांझे तौर ते कार्रवाई कर मामले की जानकारी दी गई है। उन्होंने होर स्टाफ के समेत जी है सारी हेल्प के नाल जो उन्होंने समॉल चॉइस मनिंदर सिंह एरिए संबंधी घर जी रेड की रेड के दौरान काफ़ी समान जो शराब वगैरह उन्होंने घर के जी है मिली सी, जिद जरा मुकदमा नंबर 9934-21 जरा संबंधी दर्ज रजिस्टर किया गया है जिंकी असी हूँ तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी वो अगे आएगा वो मुताबिक जी है बनती कार्रवाई। योग गुरु बाबा रामदेव पठानकोट विखे पहुंचे। इस मौके उन्होंने द्वारा लोगों को कोरोना महामारी तो बचा रखने की अपील की गई ते योगा करन दी नसीहत दी गई। मुझे तो लगता है भारत में इस समय पॉलिटिकल सिस्टम में एक सर्वदलीय अप्रोच होनी चाहिए, जिसको कहते हैं एक सर्वदलीय सरकार की तरह लोगों के साथ सरोकार रखते हुए काम होना चाहिए। नहीं तो आने वाले 2 से 3 महीने भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। यदि हमने इस संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया तो इसमें परिवार के परिवार तबाह हो सकते हैं, इसमें पूरी इंडस्ट्रियां तबाह हो सकती हैं, इसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और लोगों का भरोसा अपने ही देश की व्यवस्था से उठ सकता है। इतना खतरनाक समय है, इसलिए इस समय सबको धीरज रख करके कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए योगाभ्यास भी करने की ज़रूरत है, गिलोय तुलसी आदि जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, परंपरागत तौर तरीक़ों से अपने बीपी शुगर वेट आदि को खान पान को कंट्रोल करते हुए अपने आप को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। समराला विखे प्राइवेट एम्बुलेंस पिछले 2 दिनों तो बिना ऑक्सीजन दे घूम रहे ने। इस मौके एम्बुलेंस चालकों द्वारा मांग की गई है कि सरकारी एम्बुलेंसा की तर्ज से प्राइवेट एम्बुलेंसा भी ऑक्सीजन की सहूलत दी जाए। सानू मेन जी दिक्कत हैगी जी, साढ़े को अपने सिलेंडर मुहैया साढ़े को है ने, पर असं जो रिफिल कराने लाने सानू साढ़े सिलेंडर जोड़े है रिफिल नहीं हो रहे हैं। असं मैं अच्छ सवेरे 5:30 बजे निकलिया सगा, तकरीबन मैं 150 किलोमीटर गड्डी चला के 4 फैक्ट्रिया के गया जी। 4 फैक्ट्रिया के बच्चों सानू जवाब मिलया, उत्थे पुलिस अधिकारी बैठे ने, उन्होंने गलबात की, उन्होंने असं ये भी कहा भी सानू एक सिलेंडर ही रिफिल कर दो। कहें भी पहला जाओ SDM साहब तो रे अपने मार्क करा के लैके आओ, जा DC साहब तो मार्क करवा के लैके आओ। SDM जे अगर तुसी लुधियाने जिले का फैक्ट्री हैगी लुधियाने तो मार्क कराओ, जिमें गोबिंदगढ़ के फैक्ट्रिया है कहें फतेहगढ़ साहब तो मार्क करवा के लैके आओ। असी बहुत परेशान हाँ जी, साडा कोई हल नहीं हो रहा। पता की है वीर जी, ऑक्सीजन बिना चाहे वह प्राइवेट है चाहे सरकारी है, पर बड़ी माड़ी गल है साड़ी सरकार वास्ते भी तो साढ़े प्रशासन वास्ते भी। देखो ये वीर एक्सीडेंट बंदे भी लैके जाना है, जा कोई मरीज है करोना का उन्होंने भी लैके जाना है, तो साड़ी बेनती है सरकार अगे लोगों नू मारो ना, लोगों की सहायता करो बचाने वास्ते। लोगों ने तुहानू हर वोटा पा के संसद में भेजे है,
ते इन्हां लोकां नूं सांभ लो, ये ना होवे कि पंजाब दे विच्चों साडे इंडिया चों सानूं लाशां ना सामियां जाण। मेरी बेनती है कैप्टन सरकार नूं, प्रशासन नूं, ते डीसी ते एसडीएम साहब नूं कि ऑक्सीजन का प्रबंध पहला भी हो सकता सी, जे हुण नहीं हो सकता एदू माड़ा देश नहीं साडा हो सकता। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।